जन आशीर्वाद यात्रा के तहत डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत भानियावाला में आयोजित स्वागत आशीर्वाद कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। रैली की अगुवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से स्थान मिला है, ये प्रदेश की जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि रक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में अजय भट्ट के अनुभवों का प्रदेश को जरूर लाभ मिलेगा। ऋषिकेश में भी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का महापौर अनिता ममगाई ने उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपाई खूब ढोल दमाव पर झूमते हुए दिखे, साथ ही पुष्प वर्षा के साथ साथ आतिशबाजी भी की गई। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और महापौर अनिता ममगाई ने प्रमुख रूप से शिरकत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तराखंड को आध्यात्म की राजधानी बनाए जाने की बात पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक राज्य है, किसी के बोलने या करने से उत्तराखंड आध्यात्म की राजधानी नहीं बन जाएगा। उत्तराखंड आध्यात्मिक प्रदेश है, किसी के बनाने से नहीं बनेगा। यहाँ देव भूमि है और यहाँ सालों से आदिकाल से अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है वहाँ पर जाके हिमालय की तट पे। तो आज इनके बनाने से आध्यात्मिक ये प्रदेश नहीं बनेगा। ये धरती पावन धरती है, देवों की भूमि है। यहाँ कोई छल करता है तो यहाँ देव उनको दंड देते हैं। कोटद्वार तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई। इस मौके पर अतिक्रमण, पानी, बिजली, लोक निर्माण विभाग सहित मूलभूत समस्याएं छाई रही, जिसमें अधिकतम शिकायतें नगर निगम से संबंधित थी। वहीं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में सबसे ज्यादा समस्या नगर निगम कोटद्वार की थी। सभी की समस्याओं को सुनने के बाद डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को एक महीने के अंदर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस का आयोजन किया गया, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। सभी विभागों की शिकायतों पर चर्चा किया गया। कुल मिलाकर 75 शिकायतें आज प्राप्त हुआ है। विशेषकर शिकायतों का जो स्वरूप है वो नगर निगम के संबंध में है, सिंचाई विभाग के संबंध में है। कुछ शिकायतें जो है वो तहसील में जो न्यायिक कार्य चलता है उसके बारे में भी है। जिन प्रकरणों पर कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है, अगर उसमें कुछ कार्रवाई किया गया है तो उसका शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए मैं विभाग को निर्देश दे रहा हूँ। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के बजटी इलाके में बीती रात 3 गुलदार सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए। देर रात 3 बजे गुलदार एक मकान के बरामदे में घुसता हुआ दिखाई दिया। रिहायशी इलाकों में गुलदार के दिखाई देने से दहशत का माहौल भी है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए संगम तट पर राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाली 17 सितंबर को चारधाम के हक हकूकधारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि ये आंदोलन और तेज होगा, दिनों दिन और तेज होगा। और जो हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है तो हम इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दें और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे कार्य करती थी वो करें। बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह डेवलपमेंट हो, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर के सरकार काम करे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सारी जगह की यात्राएं खोली हुई है, केवल चार धाम यात्रा ही बंद करी हुई है। सारे पर्यटन आपने खोल चुके हैं और हमारी चार धाम ही बंद की हुई सरकार ने, इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि इस जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को भंग करके और हमारी यात्रा चालू कर दी जाए। तहसील सभागार नरेंद्र नगर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। किन्हीं कारणों से डीएम के न पहुंचने के चलते उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा ने फरियादें सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्परता के साथ समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। आज हम तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पर अपनी शिकायतें कराए थे, पर जिलाधिकारी महोदय तो यहाँ थी नहीं। उप जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से हमने जो मेरी शिकायत थी वो थी जो सरकार द्वारा हर घर जल हर घर नल के का एक बहुत बड़ा योजना चलाई जा रही है। तो जो हमारी ग्राम सभा में योजना शुरू हुई है तो मैं चाहती हूँ कि जो संबंधित अधिकारी है वो आके एक बार सर्वे करें
ताकि कार्य की गुणवत्ता की जांच हो। जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद यदि वो आते हैं और कार्य उनके हमारे मतलब अनुसार नहीं हुआ है फिर फायदा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि उप जिलाधिकारी मैम के माध्यम से मेरी समस्या का समाधान होगा। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 16 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारी हड़ताल का 16वां दिन है और देहरादून में मुख्यमंत्री जी से हमारी जो लीडर हैं उन्होंने मुलाकात की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख तक हमसे बोला था कि कोई ना कोई घोषणा की जाएगी और वो घोषणा की गई है, लेकिन हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो भी टुकड़ों में, जो हमें नामंजूर है। हम प्रोत्साहन राशि नहीं लेना चाहते, हम अपना मानदेय फिक्स करना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और न्यूनतम वेतन जो है वो हमारा लागू किया जाए। प्रकृति को संतुलित रखने के लिए वृक्षों का होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सरकार लगातार लोगों को वृक्षारोपण करने की अपील कर रही है। वहीं बाजपुर में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि वृक्षों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। बाजपुर के ग्राम जोगीपुर में एक बगीचे में अज्ञात व्यक्ति ने 152 पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिसकी शिकायत बगीचा स्वामी ने पुलिस और उद्यान विभाग के अधिकारियों से की है। ये मेरा 4 साल पुराना बगीचा है और इसमें अमूमन 200 से 250 पेड़ जो है 4 वर्षीय जो इस साल फल दे रहे थे। अमरूद जो है अभी सर्दियों में मैंने अभी उसकी लॉपिंग करवा कर और सर्दियों के लिए फल तैयार करा रहा था और इसी आने वाले समय में लीची जो कि मेरी 4 वर्ष की हो चुकी थी ये फल देना था। सर ये 3 एकड़ बगीचा है, इसमें 250 के लमसम 200 से 250 के लमसम जो है मैं अभी काउंटिंग किया है और अमूमन इतना पेड़ जो है 4 साल का वो बिल्कुल जड़ से काट दिया गया है। वो मुझे भी जानकारी मिली थी सुबह ही ना आज, तो ये जोगीपुरा गांव में विमला कंबोज महिला के द्वारा ये सूचना दी गई है और इनके पुत्र हैं आशीष कंबोज। तो ये पौधे उनका जो एक बाग था बड़ा बाग, उसकी बगल में छोटा बाग था जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी और उसमें 600 पौधे थे लीची और आम के। तो उसमें से 55 पौधे लीची के और 97 पौधे अमरूद के काट दिए गए हैं और कुल मिला के 152 पौधे ये कटे हैं। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का घेराव किया गया। रमेश जोशी ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस कदर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि पहले तो वो लोगों को नोटिस काटकर उनको डरा धमकाकर पैसा वसूलते हैं और फिर पैसे लेकर उन्हें नक्शा पास न करवाने को कहा जाता है। उन्होंने आदेश भी करे हैं कि 20 तारीख को उसमें सीलिंग के आदेश कर दिए गए हैं और उन्होंने माना है कि जो ये हुआ है वे बेहद गलत तथ्यों के आधार पर हुआ है और तत्काल प्रभाव से 20 तारीख तक वो सील कर दिए जाएंगे। और प्रभारी सचिव साहब ने आज हमको दिखाया फाइल पे अवगत कराया, उन्होंने आदेश करे और लिखित में हमें आश्वासन दिया है। हरिद्वार नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती, सहायक मुख्य नगर अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने टीम के साथ स्मार्ट वेंडिंग जोन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और स्मार्ट वेंडिंग जोन को विकसित कर रही कंपनियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर स्मार्ट वेंडिंग जोन की औपचारिकताएं पूरी करते हुए राज्य फेरी नीति नियमावली के मानकों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किए जाने पर जोर दिया जाए। देखिए ये वेंडिंग जोन कम्प्लीट है, लगभग 50 की क्षमता का ये वेंडिंग जोन है। आज मुख्य नगर आयुक्त महोदय दयानंद सरस्वती जी ने इसका निरीक्षण किया अपनी टीम के साथ में और SNA महोदय हमारे तनवीर सिंह मारवा जी भी इनके साथ थे, पूरी टीम के साथ उन्होंने निरीक्षण किया और इसमें देखा कि तकनीकी दिक्कतें क्या हैं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हैं कि नहीं हैं, जैसे कि पानी है, पेयजल है और सफाई व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को देखा। मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर इसका लोकार्पण और शिलान्यास और उद्घाटन हो जाएगा।